हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में सर्च बॉक्स कैसे बनाते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक छोटा सा डेटा सेट है और हमने यहाँ पे एक सर्च बॉक्स बनाया हुआ है। तो ये सर्च बॉक्स काम कैसे करता है, अगर इस डेटा सेट के अंदर से कोई वैल्यू, सेल वैल्यू यहाँ पर टाइप करते हैं। जैसे मैं कोई वैल्यू यहाँ पर टाइप करता हूँ, तो देखिए हमारी वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से एक और वैल्यू मैं अपने डेटा सेट के यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो सी फूड मैंने टाइप किया और मेरी दो सेल के अंदर सी फूड सेल वैल्यू अवेलेबल थी, तो दोनों की दोनों हाईलाइट हो गई है। इसी तरीके से एक और वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, ये वाली वैल्यू हमारी डेटा सेट में मल्टीपल सेल के अंदर अवेलेबल है। तो जितनी भी सेल के अंदर हमारी ये वैल्यू अवेलेबल रहेगी, हर सेल जो है हाईलाइट हो जाएगी। वैसे हम क्या करते हैं कि जब किसी डेटा सेट से किसी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, तो कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने वेवरेजेस टाइप किया हुआ है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये एक सेल के अंदर बताएगा कि वेवरेजेज, हमें नहीं पता कि इस डेटा सेट के अंदर और कितने वेवरेजेज हैं। तो एंटर करते रहेंगे कि एक नेक्स्ट नेक्स्ट बताता रहेगा, लेकिन जो हमारा सर्च बॉक्स है वो एक बार में आपको सारा बता देगा कि हमारे कहाँ कौन कौन से सेल के अंदर जो सेल वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, हाईलाइट करके। तो ये सर्च बॉक्स देखिए एक्सेल में बनाते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। एक सिंपल सा फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने अप्लाई किया। तो इस डेटा सेट में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। हम शुरू से सीखेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। तो इस डेटा को हमने सेलेक्ट किया, होम टैब में गए और पुरानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए यहाँ पर देखिए क्लियर रूल्स पर जाएंगे और यहाँ पर क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल को करेंगे। तो हमारी डेटा सेट से जितनी भी सेल से जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की हुई है वो रिमूव हो गई है, हट गई है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो देखिए कहीं भी ये जो है इसको सर्च नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सर्च बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर सर्च बॉक्स हमने बनाना है। इस डेटा के लिए हमने सर्च बॉक्स बनाना है, तो इस डेटा को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद होम टैब में गए और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और न्यू रूल पे हम क्लिक करेंगे तो ये नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे फॉर्मूला बार आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने फॉर्मूले को लिखना है। तो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, हमें सर्च बॉक्स बनाना है। तो कौन सी सेल के अंदर सर्च बॉक्स हमें बनाना है, तो यहाँ पे देखिए जीवन हमारी सेल वैल्यू है, तो इस सेल के अंदर हमें सर्च बॉक्स बनाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जीवन को लिख दिया, जीवन का जो रेफरेंस हमने यहाँ लिख दिया सेल का। उसके बाद हम इस डेटा सेट की सबसे फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, डॉलर ए डॉलर टू। तो हमने क्या करना है, डॉलर साइन को रिमूव करना है। इसको माउस की हेल्प से आप डिलीट करेंगे, माउस से आप डॉलर के पास क्लिक करेंगे या तो डिलीट साइन से या डिलीट की से या बैक स्पेस की से इस डॉलर साइन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें कंडीशनल में कलर देना है उस सेल को जो हम जिस सेल की वैल्यू हम हाईलाइट फाइंड करना चाहते हैं, उस सेल को उस कलर के साथ हाईलाइट करके दिखाएगा हमें। तो हम क्या करेंगे, आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे फिल टैग में जाएंगे और यहाँ पर एक कलर हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और ओके प्रेस करेंगे। एक बार फिर ओके प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा जो सर्च बॉक्स है वो बन गया है। सिंपल सा फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखिए हम इसमें एक जैसे न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे यहाँ तक हमारा डेटा सेट है। ठीक है, तो डेटा मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया था। इस डेटा सेट के अंदर सपोज कर लीजिए मुझे न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करनी है, तो जैसे मैंने यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू टाइप की, तो जहाँ जहाँ पर मेरी न्यूमेरिक वैल्यू ये एग्जिस्ट कर रही है, इसने क्या करा, उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, एक दूसरी वैल्यू यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे मैंने पहले टाइप किया था, तो देखिए इस सेल के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो इसने इस सेल को हाईलाइट कर दिया। इसी तरीके से एक दो और देखते हैं। देखिए हमारा सी फूड दो सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों को इसने हाईलाइट कर दिया इस तरह से। बेवरेजेस देखते हैं, तो जब हम कंट्रोल एफ से फाइंड कर रहे थे तो एक सेल को बता रहा था बेवरेजेस। ठीक है, उसके बाद हमने एंटर किया तो सेकेंड पर आया, लेकिन यहाँ पर जो सर्च बॉक्स हमने बनाया, इसने हर सेल को जो है हाईलाइट कर दिया जहाँ जहाँ हमारा बेवरेजेज एग्जिस्ट कर रहा है। जिस सेल के अंदर जो बेवरेजेज एग्जिस्ट कर रहा है, इसने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई दूसरी वैल्यू हम देखते हैं,
ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी इन दो सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो इनने दोनों सेल को हाईलाइट कर दिया। तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि हमारे डेटा सेट के अंदर कहाँ कहाँ पे जो है ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, उस सेल को ये हाईलाइट कर देगा। तो एक छोटा सा वीडियो था कि एक्सेल के अंदर सर्च बॉक्स जो है कैसे बनाते हैं बिना VBA कोड के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार किसी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।